बाय चॉइस बहुत कम लोगों ने इस बिजनेस को करियर के रूप में चूज किया। मैं बता देता हूं, बाय चॉइस मेरे नॉलेज में एक हमारे टीम में विजय सिंह हैं जो कि पटना से बिलोंग करते हैं। आज से 4 महीना पहले दोस्तों उनका मेरे पास फोन आया था। उन्होंने यूट्यूब पर मेरी कोई वीडियो देखा होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों मैंने उनकी ज्वाइनिंग कराया था। वहां पर मेरे एक लीडर थे, मैंने उनके घर पर उनको भेज दिया था। भेजने के बाद उन्होंने सेफ स्वप बिजनेस को ज्वाइनिंग करने से पहले बहुत सारे लोगों का नंबर इकट्ठा किया था। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को 5-6 महीने से सर्चिंग कर रहे थे। आज दोस्तों हमारे बिजनेस में वो सिल्वर हैं और हर वीक दोस्तों उनका चेक बन रहा है और दोस्तों सिल्वर लेवल पर जाकर के होटल में रुक करके दोस्तों आज सासाराम शहर में बिहार का एक जगह है दोस्तों सासाराम, वहां से दोस्तों आज वो अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। पटना में उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस दोस्तों आज गोरखपुर में है, उनका बिजनेस दोस्तों आज आगरा में चला गया है, उनका बिजनेस दोस्तों आज दिल्ली में चला गया है, उनका बिजनेस दोस्तों आज मुंबई में चला गया है। तो उन्होंने दोस्तों इस बिजनेस को बाय चॉइस चूज किया, कैरियर बना लिया उन्होंने। लेकिन हमें दोस्तों ये बिजनेस बाय चांस मिला था, क्योंकि मैं तो दोस्तों हमारा कैरियर तो आर्मी में था, हम तो आर्मी में नौकरी कर रहे थे, तो हमें दोस्तों ये बिजनेस आर्मी की नौकरी करते हुए मिला, तो हमें बाय चांस मिला। लेकिन जब दोस्तों बाय चांस मिला तो दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस को बाय चॉइस में कन्वर्ट कर लिया था कि अब मेरी जो जीवन बदल सकती है यही से बदल सकती, क्योंकि मैं पहले जिस सिस्टम में काम कर रहा था और मान लीजिए वहां का सैलरी 40,000 रुपए है, तो मैं कितना भी स्मार्ट वर्क करूंगा तो दोस्तों हमारा सैलरी 40,000 मिलेगा। लेकिन सेफ स्वप एक ऐसा जगह है कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करें, हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करें, हम दोस्तों आपकी ट्रेनिंग सेशन खत्म करने के बाद हम फिर हो सकता है दोस्तों अगला बैच करें, उससे अगला बैच करें, और पूरे दिन में दोस्तों अगर मान लीजिए मैं 2,000 लोगों को ट्रेनिंग दे देता हूँ तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस से मेरा बिजनेस फास्ट चलेगा। अगर मैं दोस्तों पर डे 2,000 लोगों को मोटिवेट करता हूँ, 2,000 लोग इस बिजनेस में काम करने के लिए मोटिवेट करता हूँ, तो दोस्तों हमें पता है कि हमारे साथ 2 करोड़ लोग भी दोस्तों इस बिजनेस में गिन आ जाएंगे। क्योंकि हमें पता है बिजनेस दोस्तों एजुकेशन प्रोसेस का बिजनेस है, सीपी का बिजनेस है। सीपी का मतलब कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोसेस में जो है, जिसका टीम है, जिसका टीम में मोमेंटम है, तो दोस्तों उसका बिजनेस है। तो दोस्तों आज हमने भी इस बिजनेस को बाय चॉइस कर लिया है और दोस्तों कल आप भी इस बिजनेस को बाय चॉइस कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। हमेशा बोलते हैं सेफ स्वप बिजनेस करने के लिए आपको 4 चीजों का होना जरूरी है। आपका सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैरों में चक्कर। देखिए दोस्तों जब आप मार्केट में काम करोगे तो लोग आपको नाना प्रकार के बातें बोलते हैं आपको। मैं बता देता हूँ चैलेंजेज है मार्केट में, ऐसे नहीं बहुत आसानी से हम डायमंड बन गए हैं, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत मुश्किल से डायमंड बने हैं। दोनों शब्द मेरे पास है, क्योंकि हम यहाँ पर डायमंड बनते हैं तो अपने दम पर क्यों नहीं बनते हैं, हमारी अपनी दम के साथ साथ हमारे टीम का बहुत बड़ा सहयोग है। आप ये बात माने या ना माने, सेफ्स ऑफ बिजनेस में जो भी फन्ना खां बन करके बैठा है, चाहे दोस्तों क्राउन लीडर हो, क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे रिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे दोस्तों सिल्वर भी क्यों ना हो, गोल्ड भी क्यों ना हो, उसमें बहुत बड़ा टीम का सपोर्ट होता है। तो लेकिन टीम की सपोर्ट करने के लिए, कराने के पीछे आपका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, आपकी चाहत बड़ी होनी चाहिए। तो सिर पे बर्फ, कभी भी इस बिजनेस को लेकर के आपको गुस्सा नहीं होना है, अपने टीम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने ब्रदर लाइन के साथ, चाहे अपने परिवार के साथ, चाहे समाज के साथ। पहला नंबर, इस खोपड़ी को ठंडा कर दो। अगर कोई आदमी कुछ बोलता है ना, दुनिया के सबसे खराब चीज, आज दुनिया में सबसे खराब चीज जवान होता है, सबसे अच्छी चीज जवान होता है। तो मुंह को शक्कर, मतलब मुंह में शक्कर का मतलब हमेशा मीठी बोलती। किसी ने आपको कुछ भला बोला बोल दिया तभी मुस्कुरा लो। और आपको मैं फंडा बता रहा हूँ सेफ स्वप में आगे बढ़ने का, क्योंकि हम लोग जो आर्मी के नौकरी में थे, हमारा खोपड़ी दोस्तों कभी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता था फौजी आदमी को, क्योंकि फौज में नौकरी करते करते आप सबको पता है घुटने में दिमाग तो आ ही गया था मेरा, तो घुटने में दोस्तों दिमाग आ ही गया था। और हम एक ऐसा डिसिप्लिन माहौल में रहते हैं जहां दोस्तों बोल दिया जाएगा कि 8 बजे पहुंचना है, तो 8 बजे में 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, 5 मिनट पहले नहीं पहुंचोगे तो आपको कोई भी पनिशमेंट मिल जाएगा। तो टाइम पंक्चुअलिटी वहां थी, डिसिप्लिन वहां था, और मैं वहां से दोस्तों निकल करके आया था। तो इस बिजनेस में हमारे जब शुरू में दोस्तों हमारी डाउनलाइन बात नहीं मानती थी तो दिल करता था यार इसकी गर्दन मोड़ दूं मैं, ये बात क्यों नहीं मान रहा। लेकिन जब दोस्तों मैंने अपने अपलाइन से मिला, जब मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया, जब मैंने दोस्तों दिशा वर्कशॉप लिया, तो दिशा वर्कशॉप लेने के बाद मुझे ऐसा लग गया कि नहीं दोस्तों अपनी अब अपनी विचार को बदलना पड़ेगा, गुस्सा को खत्म करना पड़ेगा।
पहले अगर हमें घर में टाइम पर 2 बजे खाना ना मिलता था और खाना भी दोस्तों गरम गरम ना मिले तो दोस्तों बड़ा गुस्सा आता था, और भी क्लास 1 का भोजन ना मिले तो दिक्कत आता था दोस्तों। नौकरी में ईगो बहुत ज्यादा होता है, बुरा ना मानिएगा, मेरे साथ इस पैनल पर बहुत सारे नौकरी वाले लोग जुड़े। लेकिन दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया ना, आज मैं दोस्तों 2 दिन की बासी खाना भी खा करके अपने बिजनेस के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि आज मैं अपने बिजनेस से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। आज आपको क्या लगता है दोस्तों, 7 बजे सुबह में पर डे ट्रेनिंग देना दोस्तों मुझको अच्छा लगता है? नहीं लगता है दोस्तों। पहले महीने में 4 ट्रेनिंग देते थे, बिंदास जीवन जीते थे, लेकिन दोस्तों जब से कोरोना आ गया है दोस्तों मेरा काम बहुत बढ़ गया। अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हमने हेडअप लिया दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारा प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ा, बहुत दूसरे से प्रेजेंटेशन बनाना पड़ा, तब दोस्तों आज काम चला। तो आज दोस्तों आज हमारा मुंह में शक्कर का मतलब आज दोस्तों हमें कोई आदमी, आज मैं पूरे नेटवर्क में गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूं कि जहां से मेरी आईडी लगी हुई है मेरे अपने टीम में किसी व्यक्ति के साथ दोस्तों कभी भी तू मैं नहीं हुआ है। वो काम किया है तब भी बेस्ट, मैंने कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं पास किया, मैंने उस व्यक्ति को एडवाइस दिया है, उसके साथ मिल करके काम किया है, मेरे साथ आगे बढ़ाया, तब भी मेरा रिलेशन कभी भी दोस्तों किसी के साथ खराब नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप भी यही काम करें। अपनी आदमी को जब बिजनेस ज्वाइनिंग कराना होता है उसके साथ बहुत प्यार से बात करता है, ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों उसके साथ उस तरह से कमिटमेंट नहीं पूरा करता। दोस्तों करें, कोई व्यक्ति अगर आपको विश्वास दे करके आया है इस बिजनेस में तो दोस्तों आपको उसके साथ में अपनी कमिटमेंट को दोस्तों पूरा करना चाहिए। और दिल में आग दोस्तों, हमेशा आपने जो सपने देखा है, जो आपने दोस्तों अपने डायरी के अंदर में सपने लिखा है, आपने दोस्तों अपनी ड्रीम बुक बनाया है, आपने दोस्तों अपनी जो नई गाड़ी खरीदने का सपना देखा है, एक अच्छे सोसाइटी में अच्छा घर बनाने का सपना देखा है, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखा है, अपने हेल्थ को अच्छा मेंटेन रखने का चक्कर देखा है, तो दिल में आग रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप काम करो। जब दोस्तों आप काम करोगे ना तो कामयाबी दोस्तों आपको ऑटोमेटिक, जब आप लगातार फील्ड में काम करोगे आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन दोस्तों जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे उस दिन दोस्तों आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। जिस दिन दोस्तों आप डायमंड बनोगे और डायमंड बनने के साथ आप पूरे आप रिलेटिव को इन्वाइट कर देना डायमंड सेलिब्रेशन में आने के लिए, और जिस दिन वो लोग आपके डायमंड सेलिब्रेशन को देखेंगे 10,000-5,000 लोगों के बीच में, उनको पता चल जाएगा क्या पावर था सेफ शॉप में, जिस बिजनेस को करने के लिए मेरा साला ने, मेरे जीजा ने, मेरे भाई ने मुझे बताया था, वाकई में इसने कर दिखाया। और उस दिन दोस्तों आपको डायमंड बनने के बाद तो आपके पास डीडी की लाइन लग जाएगी। मैं दोस्तों जिस दिन डायमंड बना था, मेरा आगरा का जेपी पैलेस में डायमंड शिफ्ट तो हुआ था, उसके अगले दिन मेरा इंडिविजुअल 17 सेल निकला था दोस्तों। जिन लोगों ने मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे डायमंड शिप देखने के बाद 5-star होटल में वो दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार होते मेरे साथ में। तो थोड़ा इस चीज पर फोकस कर दीजिएगा। तो पैरों में चक्कर दोस्तों, आज कोविड में आपको फिजिकल पर भी जाके काम, आप दोस्तों अभी चाहते हैं मैं कंप्लीट काम दोस्तों केवल डिजिटल पर करूं, तो दोस्तों आपका काम नहीं बढ़ेगा। आपको डिजिटल के साथ में शांतियों, आपको फिजिकल पर आना होगा, आपको फील्ड में जाकर के प्लान दिखाना होगा। फुल टाइमर है तो 5 प्लान, पार्ट टाइमर है तो 2 प्लान दिखाए, तो आपको अपने घर में नहीं आना पड़ेगा, 100% दोस्तों आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जैसे कि दोस्तों हम बताते हैं, मेरा वादा है कि 2030 में 2 लाख रुपया नहीं, 2022 में आप सारे लोग जो पैनल पर आए हो, जो मैंने आज आपको बातें बता रहा हूं, मेरी बातों को मान जाओगे तो अगले साल दोस्तों आप 2-2 लाख रुपए आराम से कमाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, मेरा वादा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा अब इंडिया के अंदर कोई क्रेज बचा नहीं है, और उसमें भी दोस्तों आप भारत की नंबर 1 कंपनी में दोस्तों सेफ शॉप बिजनेस, जिस दिन आप प्लान दिखाते हो, प्लान के बाद दोस्तों हर एक प्लान में मैं दोस्तों आपको एक क्लोजिंग बताता हूँ, दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए 0 लागत है कि नहीं दोस्तों? जितने की सामान उतने का सामान आपको घर आता है, जितने की पैसा लगाया, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस 0 इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक चाय की दुकान खोलने के लिए ना आपको कम से कम दोस्तों आज 1,00,000 रुपए की जरूरत है। एक पान की खोके खोलने के लिए दोस्तों आज आपको 1,00,000 रुपए की, क्या दोस्तों यहाँ लगाया 15,000 रुपए, 26,000 रुपए, 50,000 रुपए, इससे ज्यादा कोई लगाया बताओ? 15,000, 26,000, 50,000 में दोस्तों आज सेफ शॉप बिजनेस आपको मिलता है, और आपको बोलता है कि मैं डबल इनकम के साथ आपको इस बिजनेस में लाऊंगा, आप अपने मैचिंग इनकम के लिए काम करोगे,
तो दोस्तों आप जब किसी को प्लान दिखाते हो इस क्लोजिंग में स्लाइड को दिखा दो, तो खाली यही वाला स्लाइड दिखा दो ना दोस्तों, इससे आपका काम बन जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको समझा दो, मिनिमम यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम पढ़े लिखे नहीं है। बोला आपको पढ़े लिखे कौन बोल रहा है, सर आपका दो हाथ पैर है, आप चलते फिरते हो, सब फिट है, आप अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड बताइए, काम खत्म। उनका आपने अकाउंट नंबर ले लिया, काम खत्म। उनका मोबाइल नंबर ले लिया, बस चार चीज तो चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका अकाउंट नंबर और दोस्तों आपका मोबाइल नंबर। चार चीज से दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में आप लाखों की कारवा करोड़ों की कारवा बना दोगे। और यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं, उनको बताइए इस बिजनेस को करने के लिए हमें कोई कर्मचारी आ दोस्तों। आज मेरे साथ पूरे भारत के अंदर में दोस्तों आज 45,000 से भी ज्यादा परिवार होगा दोस्तों। मैंने आज अपने साथ क्या रखा है बताइए, आज मेरे पास कोई ड्राइवर है नहीं है, अपना गाड़ी मैं खुद चलाता, तो ड्राइवर रखने की भी जरूरत नहीं है बिजनेस के अंदर में, क्योंकि हम लोग का कोई टाइम टेबल होता नहीं है। और सेफ शॉप का जो व्यक्ति होता है हर काम जानता है। क्या दोस्तों मैंने बचपन में गाड़ी देखा था, मेरे पिताजी ने मेरे लिए गाड़ी खरीदी थी नहीं थी, आज मैं ड्राइवर हूँ कि नहीं दोस्त, आज मैं 22 लाख रुपए की गाड़ी चलाता हूँ कि नहीं इस बिजनेस के माध्यम से, आप समझिए पहले बातों को। तो यहाँ पर कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं है। एक साल के अंदर में आपको इनकम टैक्स सीए की जरूरत पड़ता है, जो दोस्तों आपका जीएसटी क्लेमिंग के लिए और दोस्तों आपका जीएसटी के साथ साथ आपका दोस्तों इनकम टैक्स का टीडीएस रिटर्न के लिए, मजा आ जाएगा काम। कोई कर्मचारी की जगह नहीं है जरूरत, तो आपको 20,000 रुपए लगाने के लिए अकेले काम करोगे, यहाँ पे कोई बॉस है बताओ, कोई बॉस भी नहीं है। बाहर के दुनिया में एक काम करोगे एक घंटा लेट जाओगे बॉस डंडा दे देगा, यहाँ पर दोस्तों बॉस का डंडा हिलाने का मौका ही नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों लीडर आगे आगे चलता है, देख रहे हैं बॉस कहाँ बैठा है, और बिजनेस में लोग नीचे कैसे चल रहे हैं कोल्लू की बैल की तरह। और सेफ शॉप के अंदर में लीडर आगे होता है, पहले मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ फिर आप सुन रहे हो, या सुनो मैं पहले ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आप सुन रहे हो। तो बिजनेस में लीडर हमेशा आगे होता है और आपका पथ प्रदर्शक होता है, और लीडर दोस्तों आपको हमेशा रास्ता दिखाता है। और दोस्तों जब लीडर आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा तो आपका बिजनेस दोस्तों क्यों नहीं तेजी से आगे बढ़ेगा, मुझे बताइए। इसलिए मेरे साथियों आज यहाँ पे कोई बॉस की भी जरूरत नहीं है, बिना बॉस सेल्स और बिजनेस का एक डायलॉग है, यहाँ तो दोस्तों ना तो बॉस ना तो दोस्तों यहाँ पर लॉस। रिस्क कुछ है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप आर्मी में नौकरी कर रहे हो, आप एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हो, आप सिविल में बैंक में नौकरी कर रहे हो, क्या लगाए हो 20,000 रुपए 25,000 रुपए 50,000 रुपए, क्या रिस्क है, प्रोडक्ट तो आ ही गया ना, धीरे धीरे काम कर रहे हो ना, आज नहीं तो कल आगे बढ़ जाओगे, आप भी ब्रॉन्ज बनोगे, आप भी सिल्वर बनोगे, आप भी प्लैटिनम बनोगे, क्या रिस्क है दोस्तों मेरे साथ बताइए। वर्क फ्रॉम होम, आज मेरे साथ पैनल पर जितने लोग आए हैं याद हो तो आप पेट्रोल जला करके गए हो ट्रेनिंग सुनने के लिए, घर में अपने बेड पर बैठ करके दोस्तों आज मेरा एजुकेशन लाइव ले रहे हो साथियों। वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस, घर बैठे हुए दोस्तों आप पैसे कमाओगे। अगर आपको स्मार्ट वर्क करने आ गया, आपको लोगों को ज्वाइनिंग करने आ गया, लाखों लोगों की टीम दोस्तों आप बना दोगे, अपने टीम को बांधने आ गया, टीम को पकड़ करके रखने आ गया, टीम को मोटिवेट करने आपको आ गया, टीम को टीच करने की आपके अंदर क्षमता आ गई, एबिलिटी आपके पास है दोस्तों, आपका धंधा क्यों नहीं बढ़ेगा। वर्क फ्रॉम बिजनेस है क्या बिजनेस, आप जब किसी को ज्वाइनिंग कराते हो ये 10 बातें उसको अगर बता दोगे ना क्लोजिंग पर, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बंदा उसके साथ ज्वाइनिंग। मेरे पास फॉलोअप करने के बहुत सारे फंडे हैं दोस्तों, मैं इसे भी फॉलोअप कर देता हूँ। फेवर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, कभी काम किया कभी नहीं किया कोई टेंशन है, बारिश हो गई दुकान वाले का बारिश में दुकान, सब्जी वाले का नहीं चला तो सब्जी खराब हो सकता है, फ्रूट वाले का फ्रूट खराब हो सकता है, दूध वाले का दूध नहीं बिक पाएगा, कपड़े के दुकान वाले पर ग्राहक नहीं आएंगे, आपके हमारा बारिश हो तूफान हो ऑनलाइन धंधा चल रहा है, पेटीएम में और एटीएम में तो बारिश का पानी नहीं घुस गया है ना, सब तो हवा में दोस्तों बिजनेस होता है, आपको कितना बढ़िया बिजनेस आप बताइए। स्मार्ट वर्क, टाइम डुप्लीकेशन थ्रू डुप्लीकेशन, टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन बिजनेस में कौन दोस्तों, आज आप अकेले हैं कल आपके टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 1 घंटा काम किया तो आपके लिए 10 घंटा काम हो गया कि नहीं, दोस्तों एकदम सिंपल बात है, इसको समझ जाओगे एक बार तो दोस्तों इस बिजनेस में कभी भी हार नहीं मानोगे, अपने लोगों को आगे बढ़ा दोगे। टैक्स बेनिफिट दोस्तों आपको यहाँ पर है किसी तरह के, दोस्तों हम लोग पैन कार्ड के ऊपर में दोस्तों पैसा कमाते हैं, कमाते हैं कि नहीं, नो क्रेडिट, उधारी का कोई झंझट है दोस्तों। आज आप, हमने गलती किया इस बिजनेस में, स्टार्टिंग के दिनों में हम लोगों से गलतियां क्या होती थी, जैसे मेरा साथी ये बोलता था तुम मेरा पैसा लगा दे हम आपको ज्वाइनिंग कर लेंगे,
तो ऐसे करके ना मेरा 1.5 लाख रुपया फंस गया। मैंने 1.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग कर दिया। मेरे टीम के अंदर में गुरचरण सिंह था, विदेश से पैसा कमा के आया था, उसने भी 16 आदमी को अपने पैसा से ज्वाइनिंग करा दिया। मैं देखा यार एक वीक के अंदर ने 16 ज्वाइनिंग बंदा करा दिया, जो उसका दोस्त बोलते थे पैसा लगा दे, पैसा था। जब 16 बंदों ने उसको पैसा नहीं दिया तो दोस्तों काम छोड़ दिया। वो पैसा गलती क्यों करना है, पहले माल दो तब आओ। हमारे यहाँ दिशा वर्कशॉप में आप आओगे, हमारे दिशा वर्कशॉप में आओगे, होटल वाला क्या बोलता है, पहले दोस्तों पूरा पैसा जमा तब होटल में आपको रूम के जागी दूंगा, कोई क्रेडिट नहीं। पहले शुरू शुरू में हमारा कोई दोस्त आता था, बोलता था कि सर जी मैं आपको कल पैसा दे दूंगा, परसों पैसा दे दूंगा, और लास्ट में उसको पैसा नहीं देता था, हम लोग होटल में पे करना पड़ जाता था। दोस्तों मैंने इस चीज को जब सीखा, आज एक भी रुपए का उधारी नहीं है कोई। अब हमारा पैसा जो बस मार्केट में मेरा ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेफ होकर 5 लाख रुपया मेरा बर्बाद हुआ है। मैं आपसे बोलूंगा किसी ने 2000 रुपये लिया, किसी ने 10000 रुपये लिया, किसी ने 20 लिया, किसी ने 50 भी लिया, दोस्तों छोड़ के भाग गया, मेरा फोनों नहीं उठाता, गया 5 लाख। तो दोस्तों 5 लाख रुपये लगाने के बाद और 2 लाख और जोड़ को जोड़ देता हूँ 7 लाख, और दोस्तों 5 लाख का कपड़ा भी जोड़ लेता हूँ 12 लाख, और दोस्तों मैंने अपने लिए 30-32 लाख की गाड़ी भी जोड़ लेता हूँ, जो सब अपने ऊपर मैंने खर्चा किया। आज दोस्तों 50 लाख रुपया भी खर्चा मैंने कर दिया अपने लाइफ स्टाइल को बढ़िया बनाने में, तभी दोस्तों 2.5 करोड़ रुपये बचा लिया कि नहीं बचा लिया, बताओ। तो क्या हमें यहाँ पे बुरा है बिजनेस, ऐसे आप लोगों को समझाओगे तो लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ेंगे। आज कोई नुकसान नहीं है, स्टार्टिंग में मेरे पास पैसा नहीं था, हम दोस्तों जाकर के बिजनेस करते थे दूर दूर, हम दोस्तों जाते थे बिजनेस करने के लिए इंदौर, हम जाते थे अमृतसर, पैसा नहीं था, ट्रेन में जाना, ट्रेन में आना, होटल में रुकना, खाना खाना। दोस्तों शुरू में मैं जोड़ता था, इस शहर में 50,000 रुपया खर्चा किया, चाहे 1 लाख रुपया खर्चा किया, मैंने इंदौर में 50,000 रुपया खर्चा किया था 1 लाख, और वहां से दोस्तों 35 लाख रुपये कमाया, 35 लाख रुपये एक शहर से। अमृतसर में दोस्तों 30,000 रुपये खर्चा किया था, कम से कम दोस्तों 16-17 लाख रुपये वहां से कमाया। हमारे बस्ती शहर में दोस्तों मैं शुरू में अपने पैसा से जाता था, वहां दोस्तों जाकर के मैंने मुश्किल से दोस्तों उस शहर के अंदर में दोस्तों मैंने 1-1.5 लाख रुपये वहां भी खर्चा किया होगा, वहां से दोस्तों हमने कम से कम 35 लाख रुपये कमाया। आप बताओ कहाँ घाटा है मेरे साथ, होटल में जाना, एसी में जाना, एसी में आना, क्या दोस्तों बिजनेस में आपको दिक्कत है, बताओ।